शर्ट से बनाएंगे बहुत ही कमाल की आइटम। इसके लिए यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर लेनी है, सीधा कर लेना है यहाँ से कपड़े को, और यहाँ पर लंबाई 21 इंच ली है और यहाँ पर भी मार्किंग कर देनी है। और मार्किंग होने के बाद अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये 16 इंच लिया है मैंने यहाँ से, और यहाँ से भी 16 इंच लेना है। तो यहाँ पर 16 इंच का ये निशान लगा देना है, दोनों को मिला लेना है, दूसरी साइड का भी इसी तरह मिला लेंगे और इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग होने के बाद ये दो पीस बन के रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखना है और ये दूसरा इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये बटन इसी तरह रहेंगे और यहाँ पर सिलने के बाद इस तरह से यहाँ पर रख के 5 इंच का निशान लगा लेना है और मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ से 5 इंच है, इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इस तरह रखेंगे, और यहाँ पर ये बटन वाला प्लेस है, यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाना है। इस साइड से भी 4 बाई 4 इंच का ये बॉक्स बना लेना है। तो ये 4 बाई 4 इंच के चारों ओर बॉक्स बना लेने हैं। इसी तरह इनकी कटिंग कर लेनी है, यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे, ये सारे चारों कट कर लेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगानी है दोनों साइड से, इस तरह देखिए, यहाँ एक साइड में लगी है, दूसरी साइड में भी इसी तरह इसकी सिलाई कर देनी है। इसके बाद देखिए ये कट हैं, इनको इस तरह से मिलाना है और सिलाई लगा देनी है यहाँ पर भी, और ये दूसरी साइड के भी इसी तरह सिल के रेडी करने हैं चारों। तो यहाँ पर इस तरह से इनको मिला के सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सारे हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ बटन है, इनको यहाँ से खोल लेना है और सीधा कर लेंगे इसको। यहाँ पर क्या जिप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही बटन हमारे इस तरह लग जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, बच्चों के कपड़े डाल सकते हैं, अपने भी डाल सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस इसमें हो जाता है। और इस तरह यहाँ पर देखिए जिप लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यही जो शर्ट के बटन हैं यही हमारे यहाँ पर बंद भी हो जाएंगे। तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होता है। इस तरह से लुक आएगा इसका बनने के बाद। तो एकदम फ्री में हमारा ये घर पर ही ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप अपनी अलमारी में या अपने बेड में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास भी इस तरह की कोई शर्ट है तो आप इस तरह से एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें भी।